कास्टिंग ऑफ वोट बाय लास्ट वोटर, अंतिम मतदाता द्वारा मतदान। दिस वीडियो इज प्रिपेयर्ड एंड प्रेजेंटेड बाय डॉक्टर वाई पी सिंह ऑफ एसआर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज सागर मध्य प्रदेश। यह एजुकेशनल वीडियो केवल ट्रेनिंग पर्पस के लिए तैयार किया गया है। किसी भी तरह की संशय की स्थिति में भारत निर्वाचन आयोग के रूल्स, रेगुलेशंस, इंस्ट्रक्शंस, गाइडलाइंस, लॉस को ही मान्य किया जावे। मतदान का समापन नियत समय पर ही होगा, भले ही अपरिहार्य कारणों से मतदान प्रारंभ करने में कुछ विलंब हो गया हो। इसका आशय है नहीं कि मतदान समाप्ति के निर्धारित समय के पश्चात किसी निर्वाचक को अपना मत अंकित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। नियत समय पर मतदान केंद्र में उपस्थित सभी मतदाताओं को अपना मत अंकित करने की अनुमति दी जानी चाहिए, भले ही निर्वाचन नियत समय के बाद भी कुछ समय के लिए जारी रखना पड़े। निर्वाचन समाप्ति के निर्धारित समय से कुछ मिनट पहले मतदान केंद्र की सीमा के अंदर घोषित करें कि मतदान समापन का समय निकट है, अतः जो मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करना चाहते हों वे मतदान केंद्र के सामने एक कतार बनाकर खड़े हो जावें। ऐसे सभी मतदाताओं को पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षरित पर्ची, उस समय कतार में खड़े मतदाताओं की संख्या के अनुसार सीरियल नंबर 1 से क्रमशः क्रमांकित कर वितरित की जाना चाहिए। कतार में खड़े सबसे आखिरी मतदाता को पहली पर्ची व कतार में खड़े सबसे पहले मतदाता को आखिरी पर्ची दी जावे, यानी कि पर्ची पीछे से आगे की तरह वितरित की जाएगी। सबसे पीछे वाले को पहली पर्ची और सबसे पहले वाले को आखिरी पर्ची प्रदान की जाएगी। मतदान समाप्ति के निर्धारित समय के पश्चात भी तब तक मतदान जारी रखा जाएगा जब तक कि कतार में खड़े सभी मतदाताओं ने अपना मत अंकित न कर दिया हो। नियुक्त पुलिस या अन्य कर्मचारियों को आदेशित करें कि वह सुनिश्चित करें कि मतदान समाप्ति के निर्धारित समय के पश्चात कतार में खड़े मतदाताओं के अलावा अन्य कोई भी व्यक्ति कतार में खड़ा ना हो पावे। यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो या आप किसी भी तरह के सजेशन हम तक पहुंचाना चाहें तो स्क्रीन पर दिख रहे ईमेल के माध्यम से आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू।